वडोदरा की एक फैशन डिजाइनर को स्वर्ण मंदिर में योग करना महंगा पड़ गया। बात 21 जून यानी योग दिवस की है। फैशन डिजाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। अर्चना ने 21 जून को स्वर्ण मंदिर में शीर्षासन किया और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था। वहीं रविवार को पंजाब पुलिस शिरोमणि प्रबंधक कमेटी ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अर्चना मकवाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ गुजरात की वडोदरा पुलिस की तरफ से एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपनी तस्वीरों के लिए आलोचना के बाद मकवाना ने उन्हें हटा दिया और एक वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फिटनेस का संदेश फैलाने के लिए पवित्र स्थान पर योग किया। मैंने योग दिवस पर शीर्षासन के जरिए सिर्फ लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की, मगर मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूं। मुझे लगता है कि मुझे गलत तरीके से समझा गया। साथ ही उन्होंने वडोदरा पुलिस का सुरक्षा देने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। अर्चना मकवाना ने अपने वीडियो संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि स्वर्ण मंदिर में योग करने का उनका उद्देश्य किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने यह भी कहा कि खुद एक आस्थावान व्यक्ति हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग उनके माफ़ी को स्वीकार करेंगे और उनके इस प्रयास को एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखेंगे। वहीं अगर अर्चना मकवाना की बात की जाए तो अर्चना मकवाना एक प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो वडोदरा गुजरात से हैं। इन्होंने अपने अनोखे डिज़ाइनों और फैशन सेंस के चलते सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। अर्चना ने अपने करियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की और धीरे धीरे एक सफल उद्यमी और इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी पहचान बनाई। अनोखे फैशन डिजाइनों और फिटनेस संबंधी पोस्ट के लिए जानी जाती हैं। पंजाब पुलिस और वडोदरा पुलिस के बीच इस मामले को लेकर समन्वय बना हुआ है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है मकवाना की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।